ओके, नाउ विल टॉक अबाउट इन्वेजिव मोल. लास्ट में हमने कंप्लीट और पार्शियल के बारे में पढ़ा. इन्वेजिव में क्या होता है कि वही कंप्लीट जो मोल है वो अगर इन्वेजिव बन जाए तो उसे इन्वेजिव मोल कह देते हैं. इन्वेजिव मतलब कि वो इन्वेड कर जाए. इन्वेड कहाँ पे कर जाए? ये नॉर्मली एंडोमेट्रियम में हमने देखा कि हमारे मोल्स बनते हैं. अगर वो मायोमेट्रियम तक पहुँच जाएँ तो हम बोलते हैं कि दे आर इन्वेजिव. ओके, इनके पास मेटास्टेटिक पोटेंशियल नहीं होता, मेटास्टेसिस नहीं होती, लेकिन ये जो कोरियोकार्सिनोमा में होता है, लेकिन ये इन्वेजिव होते हैं. इसमें डिफरेंस है कि और ये भी बात है कि इन्वेजिव वाले जो हैं उसमें मेटास्टेसिस नहीं होती. ये वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेटास्टेसिस डू नॉट अकर इन इन्वेजिव मोल. इन्वेड करके वो मायोमेट्रियम में चले जाते हैं. ठीक है, मायोमेट्रियम में जाके हमें पता है कि जो मायोमेट्रियम है उसमें होती है हमारी ब्लड वेसल्स. ठीक है, मायोमेट्रियम में अगर वो इन्वेड कर गए और ब्लड वेसल्स में पहुंच गए, एक बार ब्लड वेसल्स में पहुंच गए फिर वो वहाँ से डिस्टेंट लोकेशंस तक जा सकते हैं, लंग्स तक जा सकते हैं, ठीक है, लिवर तक जा सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस होता है कि यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर आके उन्होंने कैंसर कर दिया, लेकिन वो लोग यहाँ पर आके कैंसर या न्यूप्लाज्म नहीं शो करते. वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर रिग्रेस हो जाते हैं. लेकिन बिकॉज वो मायोमेट्रियम में इन्वेड करता है तो मायोमेट्रियम में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में के थ्रू वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं. तो दिस इज़ नोन एज एम्बोलिज्म, कि वो एम्बोलिज्म शो करते हैं लेकिन यहाँ पे आकर वो कैंसर नहीं शो करेगा. दैट इज़ नॉट कैंसरस, दैट इज़ नॉट कार्सिनोमा, तो वो मेटास्टेसिस नहीं करेगा. सो दिस इज़ अ मेन डिफरेंस. हाइड्रोपिक विलाय है इसमें, उसमें वो क्या करेगा, वो यूट्राइन वॉल को पेनीट्रेट करेगा. ठीक है, और रप्चर होगा वहाँ पर, उसकी वजह से हेमरेज होगा. हाइड्रोपिक विलाय यूट्राइन वॉल में पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेशन हुई, इन्वेड किया, रप्चर हुआ वहाँ पे और हेमरेज बना दिया. ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है इन्वेजिव की. और ये जो इन्वेजिव है इसको हम रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये घुस जाता है, ये बिल्कुल पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर चले जाता है, तो फिर इसको रिमूव करना इज़ डिफ़िकल्ट. नाउ इट्स कोरियोकार्सिनोमा. मेलिग्नेंट फॉर्म होती है कोरियोकार्सिनोमा की. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो कोरियोनिक एपिथेलियम जो हम अभी पढ़ रहे हैं, यही हम पढ़ रहे हैं कोरियोन से जो कैंसर होता है, बिकॉज कोरियो इज कोरियोनिक. ठीक है, कोरियोनिक एपिथेलियम जो अब हम कर रहे हैं वो, या फिर जर्म सेल ट्यूमर जो हमने पिछली बार ओवेरियन ट्यूमर्स पढ़े थे ना, उसमें हमने जर्म सेल ट्यूमर पढ़ा था, जो हमने डिसजर्मिन वाला किया था और यॉर्क सैक वाला किया था, और जर्म्स इस वो वाले थे जर्म सेल ट्यूमर्स. ठीक है, ये वाले जर्म सेल ट्यूमर्स से बनने वाला, और ये कैंसर जो है वो यहाँ से एपिथीलियम से बनने वाला. ऑलराइट, ये वाला जो है वो लेस फ्रीक्वेंट है दैन द कोरियोनिक एपिथीलियम वन. ये कहाँ पे कॉमन है अब ये वाला कोरियोकार्सिनोमा? ये एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में प्रेवलेंट है, 1 in 2000 प्रेगनेंसी. दिस इज़ कॉमन कि 1 in 2000 प्रेगनेंसी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में हो जाता है, कॉमन है. 50% जो ये कोरियोकार्सिनोमा है वो कहाँ से निकलता है? जो कंप्लीट मोल्स हैं, ठीक है, जो इन्वेड नॉर्मली नहीं करते, कंप्लीट मोल्स हैं वहाँ से आ जाता है. 25% नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है, 25% वहाँ से भी आ सकता है, 25% अबॉर्शन, कोई प्रीवियस अबॉर्शन हुए हैं तो उसकी वजह से कोरियोकार्सिनोमा डेवलप हो सकता है. मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस ऑब्वियसली होगा क्योंकि कैंसर है. कहाँ पे होगा? वेजाइना, लंग्स, ब्रेन, बोन मैरो और लिवर. ठीक है, वैस्कुलर स्प्रेड होगा, हिमाटोजेनस स्प्रेड होगा. वेजाइना में सबसे लंग्स में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 50%. ठीक है, और वेजाइना में जा सकता है और ये सारी में मेटास्टेसिस इज पॉसिबल. मेन मेन बात है कोरियोकार्सिनोमा की और बाकी जो भी हमने मोल्स पढ़े हैं कि उनमें कोरियोनिक विलाई में हम बोलते थे कि कोरियोनिक विलाई की स्वेलिंग हो गई, उसमें सिस्ट बन गया, उससे क्या क्या हो गया. ठीक है, हम लोग सब कोरियोनिक विलाई के बारे में पढ़ रहे थे कि ट्रोफोब्लास्ट की वो हो गई, कोरियोनिक विलाई की वो हो गई, ये हमने सब ने पढ़ा. लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोरियोनिक विलाई आर नॉट फॉर्म्ड, इसमें कोरियोनिक विलाई आर नॉट प्रेजेंट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कोरियोकार्सिनोमा. इंस्टेड इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर है वो किससे बना होता है? एनाप्लास्टिक क्यूबॉइडल साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट. एक तो इन्होंने एनाप्लास्टिक बोल दिया. एनाप्लास्टिक का मतलब होता है कि उसके पास अपने स्पेशलाइज्ड फीचर्स नहीं है, वो इतना डिफ्रेंशिएटेड नहीं है कि वो अपने स्पेशलाइज्ड फीचर शो कर सके, दैट इज एनाप्लास्टिक. ठीक है, लॉस्ट देयर डिफ्रेंशिएटिंग और स्पेशलाइज्ड फीचर्स. एनाप्लास्टिक्स उसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट भी है और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के भी उसमें अंदर मिक्स्ड सा एक वो बना हुआ है, जिस ट्यूमर. ठीक है, लेकिन विलाई नहीं है. लिम्फेटिक इन्वेजन अनकॉमन है, वैस्कुलर कॉमन है, दैट इज हिमाटोजिनस कॉमन है.
क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं कीमोथेरेपी जो है वो 100% उससे क्योर हो जाता है, इवन दो हमें पता है कि ये एग्रेसिव है, ठीक है, हमें पता है कि ऑब्वियसली कार्सिनोमा है ना, लेकिन 100% हमने बोल दिया कि क्योर हो सकता है। अब अगर हम लोग डिपेंड देखें, कॉन्ट्रास्ट करें कि ये जो रिस्पॉन्स है कीमोथेरेपी का, हमने बोला कोरियोकार्सिनोमा जो है, कोरियोकार्सिनोमा जो है वो दो पार्ट्स में है, एक तो जर्म सेल और एक इकोरियन जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अब अगर आपसे पूछे कि इसका जो कीमोथेरेपी है उसका रिस्पॉन्स इसमें ज़्यादा अच्छा होगा कि इसमें अच्छा होगा ज़्यादा, तो उसका आंसर है इसमें ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें इतना अच्छा नहीं होगा। वाई? पहली बात हमने बोला कि कोरियोकार्सिनोमा मेजरली कंप्लीट मोल्स से बनते हैं। कंप्लीट मोल्स क्या होते हैं? कंप्लीट मोल्स क्या होता है पहली बात मुझे बताओ। कंप्लीट मोल्स हमने पढ़ा जिसमें कंप्लीटली लैक करता है क्या, ओवम का मटेरियल, ओवम के क्रोमोसोम, मैटर्नल क्रोमोसोम, सिर्फ पैटर्नल क्रोमोसोम होंगे। अब अगर सिर्फ पैटर्नल क्रोमोसोम्स पर और सिर्फ पैटर्नल मटेरियल है उसके अंदर, किसके अंदर है तो फीमेल की बॉडी के अंदर ही, तो फिर फीमेल के लिए ये सिर्फ पैटर्नल एंटीजन हुए, फॉरेन हुए, ठीक है तो वो फॉरेन वाले ना। तो क्या होता है कि जो कीमोथेरेपी है जो जर्म्स है ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम एक्ट एज एन एंटीजन, ठीक है, एक्ट एज एन एंटीजन। तो मैटर्नल जो इम्यून रिस्पॉन्स है, मैटर्नल का इम्यून रिस्पॉन्स है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है और क्लियर कर देता है ट्यूमर को क्लियर करने में हेल्प करता है। कि कीमोथेरेपी तो काम कर ही रही है, साथ में ये जो इसका इम्यून सिस्टम है फीमेल का वो भी एक्ट करता है टू क्लियर दिस ट्यूमर, इसीलिए इसमें ज़्यादा कीमोथेरेपी हम अप्रिशिएट करते हैं रादर देन जर्म सेल वाले में। सो दिस इज अबाउट इनवेसिव मोल एंड कोरियोकार्सिनोमा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।